और यहाँ के लोग बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। यहाँ के इस राज्य में आप बिना वीजा के नहीं जा सकते हैं। लगभग 2 मिलियन लोग चीनी और तिब्बती भाषा बोलते हैं। Welcome to the Voy Guy. This is your host Harshit Dhingon, and you're watching the Voy, the voice of youth. And yes, आज मैं इस वीडियो के अंदर एक रिएक्शन वीडियो करने वाला हूँ और एक वीडियो के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि एक चैनल है, यूट्यूब चैनल रहस्य टॉक, एंड उनके ऑनर शायद उनका नाम लिखा हुआ है अनिल कुशवाहा जी। तो उन्होंने एक ऐसे महाअनुभव, क्या बोलूँ, महान इंसान है या एलियन है, पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं ये व्यक्ति। इन्होंने नागालैंड के बारे में ऐसा डीप रिसर्च किया है जहाँ पर उन्होंने ऐसी सी बातें बोली और बोला है नागालैंड में जाने के लिए वीज़ा लगता है, ये तक बोला है, कई चीजें बोली है। इस वीडियो में हम उस बारे में रिएक्ट करने वाले हैं। और इन्होंने नागालैंड की वुमेन्स के बारे में तो इतना घटिया बोल दिया है, और शायद नागालैंड तक ये बात, नागालैंड के मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे ये, आपको मैं स्क्रीनशॉट पे दिखा देता हूँ, रिक्वेस्ट सेंड की है, एंड वी आर गोइंग टू रेज द वॉइस फॉर द पीपल। एंड ये 8 महीने हो चुके हैं इस वीडियो को पोस्ट, यानी बहुत जरूरी है, वी शुड गेट इट डिलीटेड बिकॉज ये डिफेम करता है नागालैंड को ये वीडियो। ये वीडियो के कारण पूरी इंडिया में नागालैंड का एक डेंजरस इमेज जा रहा है, एंड वुमेन्स के लिए करेक्टरलेस इमेज जा रहा है, एंड वी नीड टू स्टॉप दिस वीडियो, एंड सर्टेनली टुडे आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन इट। एंड इफ यू ऑल्सो बिलीव एंड बिलीव दिस वीडियो कैन ब्रिंग सम चेंज, आई रिक्वेस्ट यू डू नॉट फॉरगेट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर चैनल, जस्ट हिट सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन, एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि पूरी इंडिया के अंदर एक सही तरीके का एक मैसेज जाए और लोग जो गलत समझते हैं नागालैंड को, वहां पे वी कैन रियली क्रिएट अ चेंज एंड मेक सोसाइटी बेटर। आपके सामने मैं प्ले करने वाला हूं ऐसी खतरनाक वीडियो एक खतरनाक इंसान के द्वारा। लेट मी जस्ट स्टार्ट द वीडियो एंड प्ले इट इन फ्रंट ऑफ यू, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जानने वाले हैं जहां पर महिलाओं को शादी करने के लिए बहुत ही अजीब नियम कानून है जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। और तो और भारत के इस राज्य में आप बिना वीजा के नहीं जा सकते हैं। बिना वीजा के नहीं जा सकते भाई साहब, लेट मी स्टॉप हियर, ही सेड कि नागालैंड में बिना वीजा के नहीं जा सकते। भाई ये आप अनपढ़ इंसान हैं या क्या है, पहले मुझे तो आप ये बताइए। आपको ये भी नहीं पता कि नागालैंड में जाने के लिए ILP लगता है, जिसको बोला जाता है इनर लाइन परमिट, और वीजा तब लगता है भाई साहब जब आप इंडिया से बाहर जाते हो। सर्टेनली ये अनपढ़ लोग, गवार लोग, पता नहीं यूट्यूब पे कहां से आ रहे हैं, एंड ये पूरे हमारे सिर्फ नागालैंड का नाम नहीं खराब, पूरे देश का नाम खराब कर रहे हैं ऐसे लोग। तो लेट्स स्टार्ट एंड वॉच अगेन। और यहाँ के लोग बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। यहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, संस्कृति भारत के दूसरे राज्यों से बिल्कुल ही अलग है। जी हाँ दोस्तों, हम ओ माय गॉड, क्या कह रहे हैं, यहाँ के लोग बड़े खतरनाक माने जाते हैं। यहाँ का खाना पीना तो चलो अलग मानते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कह दिया कि भैया नागा इज डेंजर एंड नागा पीपल आर डेंजर अकॉर्डिंग टू हिम। Certainly, it's very shameful. मैं तो नागालैंड गया था भाई, मुझे तो किसी ने नहीं खाया, ना ही मुझे किसी ने कुछ गलत करा इतना ज्यादा। तो सर्टेनली आई फील के मे भी कुछ जेलस पीपल होते हो गए कुछ ना कुछ किसी के लिए, सर्टेनली यूट्यूब पे मैं भी हूँ तो कुछ मेरे भी कुछ जेलस हो गए, लेकिन वहाँ के आम जनता ने तो कभी किसी को परेशान नहीं किया और ना ही मुझे कभी किसी ने ऐसा कोई हर्ट किया है। और इसके आगे मैं चलते आगे की कहानी सुनते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के एक राज्य नागालैंड के बारे में। नागालैंड भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है जिसकी सीमा पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में बर्मा और दक्षिण में मणिपुर से मिलती है। इस राज्य की राजधानी कोहिमा है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 19,80,602 है, जिसमें सबसे ज्यादा यहाँ ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर 85% तक ईसाई धर्म को मानने वाले, और यहाँ का क्षेत्रफल लगभग 16,579 वर्ग किलोमीटर के साथ यह भारत का सबसे छोटे राज्यों में से एक है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। नागालैंड में ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं जिनका मुख्य पेशा कृषि है। कृषि से ही इस राज्य की 70% अर्थव्यवस्था चलती है। दोस्तों नागालैंड में शादी के रिवाज के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। सुनो सुनो, नागालैंड में नागा जातियों की शादी का परंपरा में यदि यहाँ पर कोई नागा समुदाय की लड़की जवान हो जाती है तो उस लड़की को घर का एक कमरा दे दिया जाता है।
वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी पुरुष के साथ संबंध बना सकती है। इसमें उसके घर वाले उसे रोकते टोकते तक नहीं है, लेकिन जब वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे उसी पुरुष के साथ शादी करनी होती है। यदि पुरुष शादी के लिए इनकार कर दे तो उसको वहाँ के नागा समाज के द्वारा दंड दिया जाता है। और जब किसी नागा जात की लड़की की शादी हो जाती है और वह ससुराल चली जाती है, तब तक वह ससुराल के अंदर रहती है और वह किसी अन्य के साथ संबंध नहीं बना सकती है। किंतु जैसे ही वह अपने गांव वापस आती है, ससुराल के नियम कायदे वहीं छोड़ कर आती है, वह अपने गांव पर किसी भी पुरुष के साथ संबंध बना सकती है। वहीं उस लड़की का पति भी उसके जाने के बाद किसी भी लड़की के साथ संबंध बना सकता है। तो गाइस, ये सबसे शेमलेस थिंग इन्होंने बोली है। हियर ही इज सेइंग ही वांट टू से दैट द वुमेन इन नागालैंड वंस दे गेट मैच्योर और एडल्ट दे गेट अ सेपरेट रूम वेयर दे कैन डू एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी विद एनी मैन in with freedom, and if she get pregnant with the man, she need to marry the man and the man need to marry the woman. And yes, after the marriage, if the woman is in the house of the man, she will follow all the rules. But if she goes away from the place, then she have the freedom to again do sexual activity with others. So And the same goes with the men. So certainly it's a very shameless thing जो ये बोल रहे रहस्य टीवी वाले अंकल जी मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, आपने तो नागालैंड को और नागालैंड के लड़के क्या लड़कियों को दोनों को करेक्टरलेस आपने प्रूव कर दिया है। और गाइस, सबसे बड़ी बात, इस वीडियो में 2 million व्यूज है। कैन यू इमेजिन, 20 lakh पीपल हैव सीन द वीडियो। ये पहले ही डिफेम कर चुके हैं नागालैंड को और वहाँ के लड़कियों को करेक्टरलेस बोल चुके हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, और वहाँ के लड़कों को करेक्टरलेस बोल चुके हैं और बोल चुके हैं कि वहाँ पे नागालैंड इन उनके अकॉर्डिंगली मैरिज का कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है और वुमेन्स कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग एज इफ दे आर जस्ट मेंट फॉर दिस सेक्सुअल एक्टिविटी, नथिंग मोर देन दैट। आगे सुनते आखिरी क्या ये क्या बोल रहे हैं, एंड मैं इनको बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अंकल जी शर्म करो एंड ये आप गलत कर रहे जो कर रहे हो, वीडियो को बंद करो। लेट अस स्टार्ट अगेन गाइस। दोस्तों, नागालैंड में दुश्मन के गला काटने का प्रथा बहुत ही खतरनाक है। हालांकि ये प्रथा अब सरकार ने बैन कर दिया है। नागालैंड के कोयाक नामक आदिवासियों को बहुत खतरनाक माना जाता है। भाई साहब, ये तो इन्होंने तो इनको तो ये तक नहीं पता कि आखिरकार एक कोयाक नहीं है, एक कोनियाक ट्राइब होती है जिनको हेड हंटर्स कहा जाता है। और ऐसे से लोग यूट्यूबर बन रहे दोस्तों, और ऐसे से लोगों की वीडियो कितने 20-20 लाख व्यूज जा रहे हैं, 2 million व्यूज जा रहे हैं। और ये इंडिया में, पूरी इंडिया में कहते हैं ना कि नागा समाज को और नागा सोसाइटी को डिफेम भी कर रहे हैं, फिर भी इनकी वीडियो चले जा रही है और उनकी वीडियो बंद नहीं हो रही है। तो सर्टेनली आई बिलीव कि वीडियो बंद होनी चाहिए। और सुनते लेकिन आखिर ये क्या कह रहे हो, आई कैन नॉट स्टॉप बिकॉज इन्होंने कहा है कि नागालैंड स्पीक चाइनीज, एंड आपको वो भी मैं सुनाता हूँ। नागालैंड में रहने वाले लगभग 2 million लोग चीनी और तिब्बती भाषा बोलते हैं। माय गॉड, इन्होंने क्या कहा, नागालैंड में 2 million लोग चीनी और तिब्बती भाषा बोलते हैं। इनकी तो मैं जय कहना चाहूंगा बिकॉज ये तो बिल्कुल महान इंसान है। ठीक है, ऐसे रहस्य टीवी वाले इंसान को तो मैं तो एक ही वर्ड मैं इनको बोल सकता हूँ कि कहते हैं ना साइको पर्सनालिटी है ये। रहस्य टीवी वाले ने रिसर्च तक नहीं किया हल्का सा भी, और हिंदी तो इनकी माशाल्लाह, ना इनको हिंदी बोलनी आ रही ना इंग्लिश बोलनी आ रही है, बोल क्या रहे ये समझ नहीं आ रहा अंकल जी। ओह माय गॉड, काली मिर्च, राजा मिर्चा को उन्होंने काली मिर्च बोल दिया भाई। नागालैंड के लोगों की भोजन की बात करें तो ये लोग चावल मांस मछली ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर सुअर की मांस को सबसे अधिक पसंद किया जाता है, और यहाँ पर कुत्ते का मांस भी बहुत अधिक मात्रा में खाया जाता है। वैसे तो नागालैंड में हर प्रकार के जानवरों का मांस खाने बस के बस, I cannot bear this torture. This video is complete torture. Complete. I request YouTube also delete this video. We cannot handle this kind of defamation. We cannot take it. We cannot understand it. And this is out of the logic. And government से बोलना चाहूँगा, government of India से इस video को बंद कराएं। और ये defame करती है हमारी country को, हमारी state, हमारी country के साथ साथ हमारे नागालैंड प्रदेश
को, और मैं सभी लोगों से, जो भी लोग हमारे साथ इस वीडियो के अंदर है, प्लीज वीडियो को शेयर करें। और ये थी एक वीडियो जिसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता है, लोग इंडिया के अंदर नागालैंड के नाम पे वीडियो बना के ऐसे ऐसे 20 लाख व्यूज भी ले रहे हैं और झूठ बात फैला रहे, जो सच बात है उस सच बात को लोग नहीं शेयर करते हैं, और ये वीडियो सच्ची वीडियो है। तो प्लीज अगर लगता है आपको, इस वीडियो को शेयर करिएगा। इफ यू लव योर स्टेट, इफ यू लव योर कल्चर, शेयर द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो गाइस, और हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़िए, इस इनिशिएटिव के साथ जुड़िए। जस्ट हिट सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन एंड बी द आर्मी ऑफ लव, बी द वॉरियर एंड बी अ चेंज मेकर। एंड यस, अगर आप मेरे साथ कुछ और मैसेज करना चाहते हैं, कुछ और एडवाइस करना चाहते हैं, गो ऑन इंस्टाग्राम एंड फॉलो मी देयर एंड सेंड मी हाय। दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, एंड इफ यू से मी हाय, गोना से यू हाय, एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, ऑलवेज रिमेंबर, लव ऑलवेज विंस। सी यू।